हेलो पीपल, क्या हाल चाल। दिस इज कुमार टैगोर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है नींद, जिसे इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम 237 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम्स नींद यानी कि स्लीप से रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग लाखों लोगों को नींद से संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही है। हमारे मन में भी कई सवाल आते हैं नींद को लेकर। सवाल नंबर 1, नींद क्या है। सवाल नंबर 2, हम सोते क्यों हैं और सभी लोग नाइट में ही क्यों सोते हैं। सवाल नंबर 3, हमें कितने घंटे सोना चाहिए। सवाल नंबर 4, क्यों नींद आती है रात दिन। सवाल नंबर 5, पढ़ते समय ज़्यादा नींद क्यों आती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे प्रश्न का जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नींद क्या है, इसके बारे में समझते हैं। नींद आराम करने का एक नेचुरल कंडीशन है। जब आपकी आंखें बंद होती है और आपका मन और शरीर एक्टिव नहीं होता, तभी तो नींद आती है। नींद दो टाइप्स की होती है। पहला, जैविकीय नींद यानी कि जिसे इंग्लिश में बायोलॉजिकल स्लीप कहते हैं। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक नींद जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजिकल स्लीप कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम सोते क्यों हैं। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो ऐसा क्वेश्चन आया ही होगा कि हम सोते क्यों हैं और सभी लोग नाइट में ही क्यों सोते हैं। बचपन में तो ऐसा क्वेश्चन सोचे ही होंगे, अगर नहीं सोचे तो सोच लीजिए कि हम रात में ही क्यों सोते हैं। इंडिया के पीपल्स के बारे में ले लीजिए, चाहे किसी अदर कंट्री के पीपल्स के बारे में ले लीजिए, एनिमल्स मैक्सिमम लिविंग थिंग जो है वो नाइट में ही क्यों सोते हैं। आज इसका भी हम आंसर जानने के लिए जा रहे हैं। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नेचुरली नींद की भावना महसूस करने से 4 घंटे पहले ब्रेन में रिलीज किया जाता है। यह हार्मोन कम लाइट के संपर्क में बॉडी की प्रतिक्रिया से शुरू होती है, जो नेचुरली रात में होना चाहिए। इसलिए हम सब नाइट में सोना पसंद करते हैं। शायद अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम लोग नाइट में ही ज़्यादा क्यों सोते हैं। ऐसे सोते तो दिन में भी हैं, बट ज़्यादा हम नाइट में ही सोते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट ले लीजिए, हर लोग जानना चाहते हैं कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें कितने घंटे सोना चाहिए। तो अमेरिकन नेशनल स्लीप फाउंडेशन के रिपोर्ट के अनुसार हमें कितना घंटा सोना चाहिए, यह हमारी एज उम्र पर डिपेंड करता है। जैसे यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी एज 6 से 13 साल के बीच है, तो आपको 9 से 13 घंटे नींद लेने की सलाह ASNF देती है, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्लीप फाउंडेशन, जिसे ANSF शॉर्ट में कहा जाता है। यदि आप किशोरावस्था में हैं और आपकी एज 14 से 17 साल के बीच की है, तो आपको 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। यदि आप एडल्ट हैं और आपकी एज 18 से 64 साल के बीच है, तो आपको 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। यदि आप बूढ़े हैं या ओल्ड हैं और आपकी एज 65 साल से अधिक है, तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना काफ़ी है और हेल्दी भी। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर, जो है क्यों नींद आती है रात दिन। आपने देखा होगा कि लोगों के साथ 2 केसेस होती हैं। पहला केस कि हमें नींद नहीं आती, और दूसरा केस ये कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको भी जानेंगे। तो नींद लेना बुरी बात नहीं है, यह अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी। अनेक रिसर्च से प्रूफ हो चुका है कि यह शरीर के लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है हमारे याददाश्त यानी कि मेमोरी के लिए भी।
मैं यह मानता हूँ कि जिस तरह नींद ना आना एक प्रॉब्लम है, ठीक उसी तरह नींद का बहुत आना भी एक प्रॉब्लम है। जहाँ चिंता, टेंशन और दबाव के कारण नींद गायब हो जाती है, वहीं बहुत अधिक टेंशन फ्री, लापरवाही यानी कि केयरलेस, और जिनके लाइफ में कोई लक्ष्य ना हो, कोई एम्बिशन नहीं हो, उनको नींद बहुत आने भी लगती है। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक का यह मानना है कि एक व्यक्ति के लिए एवरीडे लगभग 6 घंटे की नींद लेना काफ़ी है, या आप इससे कम भी सो सकते हैं अपनी क्षमताओं के अनुसार। उदाहरण के लिए गांधी जी केवल 4 घंटे सोते थे, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम 3 घंटे से 4 घंटे के बीच सोते थे। जैसा कि मैंने कहा है कि आपकी नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है, और यदि इसके बाद भी आपको नींद आ रही है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि आपको गहरी नींद नहीं आती। दूसरा यह कि आप एक विचित्र किस्म के मनोवैज्ञानिक नींद की बीमारी के शिकार हो गए हैं। मैंने बीमारी कहा, इससे डरना शुरू मत हो जाइएगा, ना ही डॉक्टर के पास चले जाइएगा। मेरा बीमारी से मतलब था एक प्रकार की हमारी सोच जिसने हमें बीमार बना दिया है। यदि आप रात में 11 बजे सो जाते हैं तो आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं उठ पाते क्योंकि उठकर पढ़ने का काम आपको भारी और बोरिंग लगता है। लेकिन अगर आपको टीवी देखना, मोबाइल चलाना, क्रिकेट मैच खेलना पसंद है और इन सब का टाइम 5 बजे फिक्स कर दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि आप 4 बजे उठकर ही अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवी पर देखना या मोबाइल चलाना, या क्रिकेट अगर खेलना है तो क्रिकेट ग्राउंड पर आप 4 बजे ही पहुंच जाएंगे। पहले आप 5 बजे भी नहीं उठ रहे थे, माँ चिल्ला रही थी बच्चे उठ जाओ, लेकिन नहीं उठ रहे थे, लेकिन गेम, टीवी, मोबाइल चलाने के लिए 4 बजे ही उठ गए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। आप विश्वास कीजिए कि नींद इसलिए आती है क्योंकि उठकर आपको जो करना पड़ेगा उसे आप करना नहीं चाह रहे। इस स्थिति को बदल कर देखिए, नींद आनी बंद हो जाएगी। अब हम चलते हैं जो सबसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हम जैसे बुक ओपन करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ते समय ज़्यादा नींद क्यों आती है? आपके साथ हमेशा होता होगा कि आप ये सोच कर पढ़ने बैठे हैं कि मैं आज अच्छे से पढ़ाई करने वाला हूँ, लेकिन अच्छे से पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन अच्छे से नींद जरूर पूरी हो जाती है। और सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि पढ़ाई करते समय इतनी ज़्यादा नींद क्यों आती है। तो घबराइए नहीं, मैं आज आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। बस कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करना होगा। विश्वास कीजिए, अगर आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो कभी पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। शायद अभी आपको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा कि कब ये टेक्निक बताएगा, पर जल्दी बता दो तो मज़ा ही आ जाए। मैं आपसे कहूँगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, बता ही रहा हूँ यार। उस टेक्निक का नाम है वॉन ब्रेन टेक्निक। बिल्कुल सही सुना आपने, वॉन, WON, वॉन, BRAIN, ब्रेन टेक्निक। आप सोच रहे होंगे ये कौन से टेक्निक है, तो आपको मैं बता दूं सारे लेटर्स का मीनिंग्स और उसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। W फॉर वर्क स्टेशन सफल, O फॉर ऑर्गेनाइज योर स्टडी, N फॉर नंबर ऑफ टारगेट। वॉन हो गया, WON, वॉन को समझ लिए। ब्रेन को देखते हैं, B फॉर बी अपराइट, R फॉर रीड आउट लाउड, A फॉर अवॉइड हैवी मील, I फॉर इंटरवल्स एंड N फॉर नैपिंग। अब हम समझते हैं वन बाय वन कि हर एक लेटर यानी कि वॉन ब्रेन टेक्निक्स में हर एक लेटर का क्या मीनिंग है, और हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, और आज के बाद हमें कभी पढ़ने के बाद, पढ़ने के टाइम नींद नहीं आएगी।
अब देखेंगे और हम समझेंगे वॉन ब्रेन का एक्चुअली में मतलब होता क्या है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेटर है वॉन का W, जिसका मतलब होता है वर्क स्टेशन सफल। अगर इसे हम समझें तो वर्क स्टेशन सफल का मतलब है अपनी पढ़ाई की जगह को बदलना। जब हम एक ही जगह बैठकर पढ़ते रहते हैं तो हमारा माइंड बोर हो जाता है, इसलिए आप ट्राई करो अपने जगह को बदलने का। जैसे गार्डन में घूमते हुए पढ़ लो, फिर दूसरे रूम में चले जाओ या छत पर जाकर बैठकर पढ़ लो। आप जैसे जगह चेंज करते हो आपके माइंड को लगता है वह कहीं घूम रहा है और उसे मज़ा आता है, और जब मज़ा आएगा तो नींद नहीं आएगी और नींद गायब हो जाएगी। अब हम चलते हैं लेटर ओ पे, जिसका मीनिंग है ऑर्गेनाइज योर स्टडी। ओ फॉर ऑर्गेनाइज योर स्टडी। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप क्या करते हो, पहले ही हार्ड वर्क या हार्ड टॉपिक या हार्ड सब्जेक्ट लेकर बैठ जाते हो और पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। इससे आपका माइंड हार्ड टॉपिक देखकर ही थक जाता है, डर जाता है और हमें नींद आने लगती है। आपको क्या करना है, पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ना है, इससे आपके माइंड को मज़ा भी आएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। फिर जब मज़ा आने लगे तो हार्ड टॉपिक पढ़ दो, मतलब आप पहले क्या करो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ो, फिर जैसे आपको मज़ा आने लगे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने में, उसके बाद क्या करो हार्ड टॉपिक पढ़ने लगो। इससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर N। N फोर होता है नंबर ऑफ टारगेट। हम जनरली क्या करते हैं, बुक ओपन करा और याद करना स्टार्ट, और एक से दो क्वेश्चन एंड आंसर याद करने में बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। और आप क्या करते हो कि जब भी पढ़ने बैठते हो तो आप ऐसा करो कि टारगेट सेट कर लो। आप करते हो कि विदाउट टारगेट आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। आप टारगेट सेट कर लो कि एक घंटे में कितना क्वेश्चन आंसर याद करना है या 30 मिनट में कितना क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपके दिमाग को पहले से पता होगा कि उसे कितना काम करना है, वो बोर नहीं होगा और आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। आपसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बोलता है कि आप यहाँ चले जाओ, तो आपके मन में आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ चल जाएं। आप उससे रास्ता पूछते हो, जब आपके दिमाग को वह रास्ता पता होता है तब वहाँ पे आराम से चले जाते हो। मान लो आपको स्कूल जाना है, स्कूल का रास्ता ही नहीं पता हो तो आप कैसे जाओगे, भूल ही जाओगे ना, नहीं जा सकते ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए हमारे ब्रेन को हमारे दिमाग को भी एक टारगेट दे दो कि हमें इतने क्वेश्चन याद करने इतने टाइम में, तो उसे रास्ता पता हो जाएगा और फटाफट हमें याद हो जाएगा। तो हमने अभी WON1 को समझ लिया और इस टेक्निक को भी यूज़ करेंगे। अब हम समझेंगे ब्रेन BRAIN, इसके हर एक लेटर को समझेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लेटर है ब्रेन का बी। बी फोर होता है बी अपराइट। बहुत सारे स्टूडेंट की आदत होती है कि वे बेड पर लेट कर पढ़ते हैं, उन्हें लेटे लेटे पता भी नहीं चलता कि वे कब सो गए। ऐसा होता है, आप भी ऐसा करते हो कि आराम से गए पढ़ने के लिए, बेड पर लेट गए और कब सो गए आपको पता ही नहीं चला। तो आप याद रखो कि जब भी पढ़ने बैठो तो अपनी टेबल चेयर पर में बैठने से क्या होता है कि हमारा पोस्चर सही होता है और चेयर पर बैठकर पढ़ने से आपका माइंड एक्टिव रहता है, जबकि बेड पर लेटकर पढ़ने से आपका माइंड रिलैक्स रहता है, इसलिए तो जल्दी नींद आ जाती है। अब समझ में आया कि क्यों पढ़ते समय नींद आ जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं लेटकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेटर आर पे। आर फोर होता है रीड आउट लाउड। क्या आपको पता है बोल बोल कर पढ़ने से हमारे माइंड को वाइब्रेशन मिलता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड एक्टिव रहता है और हमें सोने नहीं देता। इसलिए पढ़ते समय बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें बार बार ये कहते हैं कि बोल बोल कर के पढ़ो। इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि बोलने से हमारे माइंड को एक वाइब्रेशन
रिलीज होता है हमारे माइंड में, जिसके कारण हमारा माइंड सो नहीं पाता, बोर नहीं हो पाता, थक नहीं पाता, एक्टिव रहता है। अब नेक्स्ट लेटर की ओर चलते हैं, जो है ए। ए फॉर अवॉइड हैवी मील। आपको पता है स्टूडेंट का लक्षण क्या होता है? अल्पहारी। अल्पहारी मतलब कम खाना खाने वाला। हम करते क्या है, ठूस ठूस के खाना खा लेते हैं, फिर पढ़ने जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, यह डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक में एंजाइम निकलता है। जैसे हम खाना खाते, कुछ भी खाना खाते, मान लो चावल खाया, रोटी खाया, तो वो क्या होता है, एंजाइम में, डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइम में कन्वर्ट होता है, जो अल्कोहल का भी काम करता है और हमें नशा सा लगने लगता है। आपने देखा होगा खाना खाने की कुछ देर बाद आपको नशा सा लगता है, उसके बाद आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है और हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो याद रखना, पढ़ने से पहले कम खाना खाओ, ना कि बहुत खाना खा लो। भुखलों की तरह खाना खाओगे तो नींद तो आएगी। तो कोशिश करना है अल्पहारी बने, कम खाना खाए, अवॉइड करें हैवी मील को, तब नींद नहीं आएगी। अब नेक्स्ट लेटर आई, आई फॉर इंटरवल्स। अब इंटरवल्स का नाम सुनकर मूवी वाला इंटरवल मत सोच लेना कि यहाँ कोई मूवी चलाई जाएगी। देखो, आप करते क्या हो, बुक लेकर लगातार 2 घंटे या 4 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हो, जिसमें हमारा माइंड थक जाता है और लगातार एक ही काम करने पर हमारा कंसंट्रेशन भी नहीं रहता। रिसर्च बताता है कि हमारा ब्रेन कंटिन्यू 45 मिनट्स तक किसी भी चीज़ को बड़े मज़े से कंसंट्रेट के साथ ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वह थकने लगता है। तो ट्राई करो, 45 मिनट्स पढ़ो, फिर ब्रेक ले लो 2 मिनट 5 मिनट का। अब ब्रेक का मतलब यह नहीं है कि ब्रेक डांस करना स्टार्ट कर देना। आप ब्रेक लो, चाहे उस ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मोबाइल चला सकते हो, या थोड़ा सा टहल लो या घूम लो, उसके बाद फिर आके 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। इससे क्या होगा, आपका मन लगा रहेगा और न्यू एनर्जी गेन होगी। ठीक है, अब लास्ट लेटर है, वो है एन। एन फॉर नेपिंग। होता क्या है कि आपको बहुत नींद आ रही है, आपका बॉडी थक चुका है, लेकिन आप लगे पड़े हो कि सोना नहीं है, ज़बरदस्ती करके पढ़ना ही है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़बरदस्ती मत पढ़ो। अगर आप थक चुके हो तो सो जाओ और नींद कंप्लीट करने के बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि ज़बरदस्ती बैठने से पढ़ाई तो होगी नहीं। थोड़ा सा सो जाने से आपकी एनर्जी फिर से रिन्यू हो जाएगी, जैसे आप उठोगे एक फ्रेश एनर्जी फील होगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो देखा आपने वन ब्रेन टेक्निक, तो इफ़ यू फॉलो द वन ब्रेन टेक्निक यू कैन वन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।